बीते कई दिनों से खबर ने पूरे बॉलीवुड गलियारों को हिला कर रख दिया है कि सलमान खान के यहाँ 1989 की ब्लॉकबस्टर फिल्म त्रिदेव लग गई है। उन्हें त्रिदेव की रीमेक के लिए अप्रोच किया गया है। हालांकि सलमान खान ने खुद से इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन सलमान को मूवी के लिए चुन लिया गया है। ये सुगबुगाहटें काफी तेज थी, मगर अब जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि इस फिल्म से सलमान खान का पत्ता कट चुका है। जी हाँ, दबंग खान के फैंस ये खबर सुनकर काफी ज्यादा निराश होने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर फैंस उन्हें इसके रीमेक में देखने के लिए बेताब हैं। मगर यही सच है कि अब सलमान ये मूवी नहीं करने वाले हैं। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद ओरिजिनल मूवी त्रिदेव के डायरेक्टर ने किया है। राजीव राय ने खुलासा किया कि इन सभी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। उनके मुताबिक, मेरा इस फिल्म के रीमेक को बनाने का कोई मन नहीं है, फिर चाहे वो मेरी फिल्में हो या बाहर की फिल्में, इसलिए मैं रीमेक करने से परहेज ही करता हूँ। हालांकि मेरे पास कई ऑफर हैं। वो यही नहीं रुके, राजीव राय ने आगे बात करते हुए बताया कि सलमान खान ने उन्हें कॉन्टेक्ट किया था, लेकिन त्रिदेव के लिए नहीं बल्कि दूसरे सिरे से साथ जुड़ने के लिए। डायरेक्टर की माने तो 2 साल पहले सलमान और मेरी बात हुई थी, लेकिन ये चर्चा त्रिदेव को लेकर नहीं थी। सलमान खान ने मुझे सुझाव दिया था कि वो और मैं त्रिदेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बातें कोरोना महामारी से पहले हुई थी। हालांकि महामारी के आने के बाद इस प्रोजेक्ट पर फिर चर्चा नहीं हुई। मुझे लगता है कि त्रिदेव का रीमेक नहीं बनना चाहिए। वैसे भी मेरे पास कई स्टोरीज हैं। इस समय मैं न्यू कमर्स के साथ अपनी कम बजट की फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ। अब इस स्टेटमेंट से इतना तो कंफर्म हो गया है कि सलमान को त्रिदेव से बाहर नहीं किया गया, बल्कि त्रिदेव के रीमेक पर ही काम का चालू नहीं है और ना ही ये मूवी कभी बनेगी फिलहाल के लिए तो। हालांकि ये खबर सुनने के बाद सलमान खान के चाहने वाले जरूर दुखी हो जाएंगे, मगर इस वक्त सलमान भी सुपर डुपर बिजी चल रहे हैं। उनके पास टाइगर 3, भाईजान, गॉडफादर, पठान जैसी कई सारी मूवीज मौजूद हैं। और खबरें तो ये तक आ रही है कि आने वाले टाइम में सलमान खान और दूसरी मूवीज भी अपनी जल्द ही अनाउंस कर सकते हैं।